हेलो बच्चों, मैं योगेश पटेल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ज्यामिति आकृतियों के बारे में, आपने देखा होगा, समझ में आया होगा आपको। आज हम उन्हीं को आगे पढ़ते हैं अध्याय में। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं, अविग्रहित और अभिधारणाएं, जिसमें से परिभाषाएं हमने लगभग पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने पूरी देख ली थी। इसमें हम चल रहे हैं, जैसे ये दिए हैं आपको, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरा दिया है एक रेखा, चौड़ाई रहित लंबाई, वही चीज जो हमने बताई थी कि लंबाई बस होती है इसमें, चौड़ाई नहीं होती है, मतलब स्टार्ट नहीं मिलेगा। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ये कहलाता है आपका क्या, रेखाखंड। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, मतलब ये एक सरफेस में होगी। अगला दिया है आपको, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब जैसे ही हम पृष्ठ की बात करें तो ये जो सरफेस दिख रहा है, तो ये जो आपका है ना प्लेन, यही आपका क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, आपको दिया है क्या, अभिधारणा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, मतलब अगर आपको दो बिंदु दिए हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है दोनों बिंदुओं को मिलाने से। और एक बिंदु से हम अनेक अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि अभिग्रहित 5.1 में दिया है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, मतलब दो बिंदुओं से हम सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद दिया है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब शांत रेखा जो रहेगी ना उसको हम दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये दिया है क्या, अभिग्रही अभिधारणा, मतलब अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, माप 90 अंश होती है समकोण की, तो सभी बराबर होंगे। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोण का योग मिलाकर दो समकोण से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। इस चीज को हम अगले वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। अब आगे चलते हैं हम प्रश्नावली 5.1, तो हमें सत्य असत्य बताने, और यहाँ पे दिया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये अब भी हमने बताया था, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताएं कि एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो यह सत्य है या असत्य। इसके बाद दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद दिया है तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, तो ये सत्य है। ठीक है, अगर जिनकी दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं समान हैं, सॉरी, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर ही होंगी, है ना। इसके बाद ये सत्य हो गया आपका चौथा। पांचवा वाला आकृति दी है, इसके पीछे आपको ये आकृतियां दी हैं, तो आपको बताना है AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा या नहीं होगा। तो ये हम ऐसे कह दें कि जैसे एक बच्चे का वजन दूसरे बच्चे के बराबर है और दूसरे बच्चे का वजन तीसरे बच्चे के बराबर है, तो क्या पहले बच्चे का वजन तीसरे बच्चे के बराबर होगा, तो हाँ भाई बराबर होगा, मतलब ए भी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए भी बराबर होगी एक्स वाई के। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं हम कहां, प्रश्न क्रमांक दूसरा। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जो परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहीं से आप नोट डाउन कर लें और वहीं से एक बार और समझ लें। इसके बाद हम चलते हैं बोर्ड पर, आइए। अब अगला सवाल हम पढ़ेंगे 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा। क्या दिया है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि एसी बराबर बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि एसी बराबर 1/2 ए बी होगा। मतलब आपको दो बिंदु दिए हैं ए और बी, उनके बीच में एक बिंदु सी स्थित है जो कि बता रहा है कि ए से सी बराबर है और बी से सी बराबर है, तो हमें बताना है कि ए सी जो है ना वो आधा होगा ए बी के। तो हम क्या करें, पहले एक बिंदु ले लेंगे ए और एक बिंदु ले लेंगे कौन सा आपका बी, ठीक है, ये ले, और इसके बीच में हम ले ले रहे हैं क्या बिंदु सी, इसको हम मिला दे रहे हैं, ये ए बी के बीचों बीच है और दिया क्या है, दिया है ए सी बराबर बी सी दिया है हमें। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो हम क्या करें, इससे लेके चले हैं, क्या दिया है पता है ए सी और बी सी, अब हमें क्या किस टर्म में चाहिए ए सी और ए बी, ए बी तो हमारे पास है, ए सी भी है, बी सी को हम कन्वर्ट कर दें, बी सी को क्या बी सी के बराबर ए सी, तो हम बी सी की जगह लिख देंगे, तो ए बी बराबर ए सी धन बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी, दिया है ये हो जाएगा क्या ए बी बराबर 2AC, भाई एक ए सी और एक ए सी हो गए 2AC, ठीक है, वैसे भी गर्मी है अभी तो 2AC हो गए, हमारे दो का पक्षांतर कर दीजिए क्या आएगा 1/2 ए बी बराबर ए सी, तो ए सी के बराबर में 1/2 हमें यही सिद्ध करना था, क्या आ गया ए सी बराबर 1/2 ए, ये हो गया सवाल। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक छठवा, आकृति दी है आपको 5.10 में, यदि ए सी बराबर दी है बी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है, ये बताना है। तो हमें क्या दिया है, एक लाइन दी है, यहां दिया है ए, इसके बाद दिया है क्या यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, और हमें दिया है क्या, दिया है ए सी बराबर बी डी दिया है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है ए बी बराबर सी डी करना है, सिद्ध हमें ए बी बराबर सी डी ये सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेके चले, हमें दिया है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी दिया है, हमें बी सी इसमें से भी घटा दें और बी सी इसमें से भी घटा दें, तो क्या करें ए सी ऋण बी सी बराबर बी डी ऋण BC, भाई दोनों बराबर थे, बराबर में से बराबर चीजें घटाएंगे तो उसके बाद भी वो बराबर रहेंगे, तो घटेगा AC में से BC हम हटा देंगे, AB बचेगा, ये आ गया AB, यहाँ पे BD में से BC को हटा देंगे तो CD बचेगा, ये आ गया CD, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 खत्म होता है, इसका जो सारांश दिया है उसको अच्छे से पढ़ लें, इसके जो परिभाषाएं हैं वो जरूर आती हैं आपकी, अभिग्रहित पढ़ लें, ठीक है।